शुभ मंगल गावो आज श्री हरि घर आए, शुभ मंगल गावो आज श्री हरि घर आए। नाचो झूमो फूलो फलो आनंद धन लाए, नाचो झूमो फूलो फलो आनंद धन लाए। शुभ मंगल गावो आज श्री हरि घर आए। हम स्वागत कर रहे हैं मंगलमय मंगलवार का। देखो नाम ही मंगलवार, कितना अद्भुत संदेश, मंगलमय जीवन जीने का संदेश। आज का दिन हर कदम पर हर सांस के साथ मंगलमय जीवन का अनुभव, अर्थात प्रसन्नता का अनुभव, उत्साह का अनुभव। आज का ये दिन इस पृथ्वी पर प्रथम समय अवतरित हो रहा है हमारे सबके लिए, ताकि हम जीवन का जो स्वाद है इस मृत्यु लोक में ये ले सके, हमारी जीवन की यात्रा को समझ सके। आज का ये मंगलवार हम सब मंगलमय भाव के साथ जी सके, ऐसी मेरी हार्दिक भावना, ऐसी मेरी हार्दिक प्रार्थना। कुछ दिनचर्या मेरी जो है मैं बता दूं आपको, आज 3:45 सुबह में मैं बिस्तर से बाहर आ सका, थोड़ा हलन चलन करके शरीर को प्रज्वलित किया, स्नान के बाद बांसुरी पर अनेक प्रार्थनाएं जो दक्षिण भारतीय संगीत पर आधारित है, उत्तर भारतीय संगीत पर आधारित है, उसको बजाई। फिर आपसे बातें करने से पहले सब शिष्यों को मैं प्रकृति मंदिर में ले आया, खुले आसमान के नीचे हमने सब ने मिलकर गायत्री मंत्र किया, मंगल प्रार्थना की, खुले आसमान के नीचे धरती माता की गोद में विकास प्रार्थना की। और अब आपके साथ आज इसके बाद मैं कुत्तों को बिना घी की बिना तेल की रोटी खिलाऊंगा, उसके बाद हम सब साथ मिलकर ये जो नृत्य मंदिर है प्रकृति मंदिर में स्थित उस पर हम पेंटिंग का काम करेंगे, और इसके बाद कड़िंग नर्तन मंदिर जिसमें नीम का पेड़ है इसके नीचे बैठकर तुलसी सबर चाय पियेंगे। और इसके साथ मुझे बहुत से शिष्यों ने अंजीर भेंट किया है, मैंने 2 अंजीर खाया, अब बाकी के सारे अंजीर मेरे शिष्यों को और जो दर्शनार्थी आएंगे, आदिवासी बच्चे आएंगे काम करने के लिए, सबको बांटूंगा, इस भाव के साथ कि सबका पेट का स्वास्थ्य ठीक रहे। इस जगत में हर मनुष्य का, हर प्राणी का, पंछी का पेट का स्वास्थ्य अच्छा होना जरूरी। मंगलमय जीवन का अनुभव करने के लिए जो मुख्य बात है, जो पद्मनाभ भगवान का संदेश है, वो भी यही है कि आपकी नाभि जो है पद्म कमल की तरह खिली हुई होनी चाहिए, अर्थात गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, डिसेंट्री, डायरिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये जो सारी अराजकता है पेट की, उससे मुक्त होना चाहिए। पेट का स्वास्थ्य, जितना परम स्वास्थ्य हम प्राप्त करते हैं पेट का, उतना हम जीवन का परम स्वाद ले सकते हैं, अर्थात मंगलमय जीवन का अनुभव कर सकते हैं। इसके बाद एक शिष्य ने मुझे साइकिल भेंट की है, तो मेरी जो घुटनों की तकलीफ है उसके लिए मैं थोड़ी घुटनों का व्यायाम करूँगा, साइकिलिंग भी करूँगा 15-20 मिनट। इसके बाद एक शिष्य ने मुझे जाकाजू की टब भेंट किया है, उसमें गर्म पानी का 1 घंटा बैठ के स्नान करूँगा। ये जो जोड़ की जिसे तकलीफ है, सांधों की, जॉइंट्स की, इसे खोलने में, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में जो गर्म पानी का टब बात का स्नान है बहुत हेल्पफुल रहता है, मैं मेरे शरीर से आपको बता सकता हूँ। और शाम को पूरे जगत को इनवाइट करूँगा, ये भाव है भीतर का कि सब की संध्या, जिस तरह से प्रातःकाल बहुत महत्वपूर्ण हमारे जीवन में, जहाँ से जीवन का प्रारंभ होता है, और मेरा दृष्टिकोण ये है
कि प्रकृति में मनुष्य आना चाहिए, खुले आसमान के नीचे, ताकि जो हमारे जीवन की हताशा है, निराशा है, उसका एक कारण है कि हम अंडर द सीलिंग रहते हैं सुबह में शाम में। ये ठीक बात नहीं है। सुबह शाम अंडर द सीलिंग नहीं रहना है, अंडर द स्काई रहना है, खुले आकाश के नीचे। इससे बहुत सुंदर शक्ति हम प्राप्त कर सकते हैं आसमान से, धरती माता से। शाम को मैं भारतीय शास्त्रीय संगीत पर आधारित नृत्य को प्रकट करूँगा, और जो मेरे शिष्य मेरे साथ है उसे भी मैं कहता हूँ कि सायंकाल में जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है इसे सुने। भारतीय शास्त्रीय संगीत और भारतीय शास्त्रीय नृत्य का उद्देश्य है उत्तेजना से मुक्ति। मन की जो उत्तेजना है उसे शांत करने में भारतीय शास्त्रीय संगीत और भारतीय शास्त्रीय नृत्य बहुत ही हेल्पफुल है। तो मैं सबको साथ में लेकर कुछ दर्शन भी करवाऊंगा नृत्य का, और उसके बाद सबको नृत्य में समाविष्ट करूंगा। हम सब साथ मिलकर खुले आसमान के नीचे नृत्य मंदिर में नृत्य करेंगे। और जो मेरा समय है सोने का वो है 10 से 10:15 बजे, लेट जाना है बिस्तर में ताकि पूरी थकान शरीर की दूर हो जाए, और जो मंगलमय प्रभात है उसका हम सब अनुभव कर सके। प्रातःकाल में सूर्योदय से पहले जाग जाना है, जिसका स्वास्थ्य अच्छा है उसे स्नान भी कर लेना है, और खुल के प्रार्थना गाना है ताकि भीतर का जो बोझ है वो प्रार्थना के माध्यम से मुक्त हो जाता है, हल्का फुल्का जीवन का अनुभव होता है। हम स्मरण रखें, आज का ये मंगलवार हमारे जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा, इसलिए आज का ये मंगलवार हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रेम, मस्ती, मित्रता पूर्ण भाव लिए जी सके, ऐसी हमारी सबकी हार्दिक भावना, ऐसी हमारी सबकी हार्दिक प्रार्थना। आज के मंगलवार में हम सब भावना करें, प्रार्थना करें मिलकर कि इस पृथ्वी पर कोई जीव अकस्मात से न मरे। मनुष्य, प्राणी, पंछी, किसी की जान अकस्मात में न जाए। हर मनुष्य, हर प्राणी, पंछी अपना जीवन पूर्ण रूप से जी सके, ऐसी भावना करे। आज इस दिन एक भी क्राइम न हो मनुष्य के द्वारा, न लूटपाट, न चोरी, न डकैती, न बलात्कार। मनुष्य का शारीरिक, मानसिक, भावात्मक स्वास्थ्य ठीक रहे, ऐसी प्रातःकाल में हम सब मिलकर भावना करें, प्रार्थना करें। आज का मंगलवार इस पृथ्वी पर सर्व जीवों के लिए मंगलमय हो, ऐसी हमारी सबकी हार्दिक भावना, ऐसी हमारी सबकी हार्दिक भावना, प्रार्थना। अस्तु।